सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिविजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर की जो आइडियल प्रॉपर्टीज या गुड वेक्टर को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। तो ये उसी के आगे का वीडियो है, समझ लो आप पार्ट टू कह लो। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, तो आपको जो नोट्स हैं साइड बाई साइड आपको दिख जाएंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास सबसे फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर आता है, सेकंड एक्सप्रेशन वेक्टर आता है। क्लोनिंग वेक्टर्स जिसको हम पर्पसली क्लोनिंग के पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा आता है जो एक्सप्रेशन वेक्टर, वो कॉपी मतलब जीन की कॉपी करने या क्लोनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये होता है हमारा एक्सप्रेशन वेक्टर। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारा क्लोनिंग वेक्टर्स मतलब क्लोनिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, एक्सप्रेशन वेक्टर क्लोनिंग एज वेल एज एक्सप्रेशन के लिए होता है। मोस्टली वेक्टर्स में जो हम होस्ट लेते हैं वो ईस्ट लेते हैं, उसके अलावा ईकोलाई लेते हैं, और ईस्ट में हम सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस लेते हैं, जो हमारा ये होस्ट सेल हम लेते हैं। ईकोलाई क्यों लेते हैं, इसके रीजंस आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ईकोलाई सिंपल होता है, इनएक्सपेंसिव मीडिया में भी वो ईजिली ग्रो कर जाता है, मतलब इसके लिए हमें बहुत ही एक्सपेंसिव मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ ये बहुत ही फास्टली ग्रो हो जाता है, विद इन 20 मिनट इट डबल इट पॉपुलेशंस ओवर द ईयर। द जेनेटिक एंड बायो इंडस्ट्रीज इज वेल अंडरस्टूड, मतलब जैसे ही जैसे ना ईकोलाई पे हम यूज़ करते जा रहे हैं, तो इसका जितना भी जेनेटिक मटेरियल या किस तरह काम करता है, किस मीडिया पे अच्छे से ग्रो करेगा, ये सब हमें डे बाय डे पता चलते जा रहा है। सेफ है यूज़ करना, मतलब ये उतना हमारे लिए हार्मफुल नहीं। कई बार होता है ना, कई हम बैक्टीरिया कुछ ले लेते हैं तो वो हमें ही नुकसान कर देता है, तो ये उतना कुछ नुकसान नहीं करता है। उसके बाद जो हमारे वेक्टर्स, मतलब बेसिकली जो ईकोलाई वेक्टर्स या हम होस्ट सेलेक्ट करते हैं, वो हमारे नेचुरल ऑकरिंग सीक्वेंस जो कि उसके अंदर प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज के बेस पे लेते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए उसको हम बोल सकते हैं, जो कि होस्ट में प्रेजेंट होता है। उसका बैक्टीरियोफाज, अब आर प्लाज्मिड का भी प्लाज्मिड क्या गया, अगर आर लिखा होगा ना, जैसे आपको साइड बाई साइड नोट्स में दिख रहा होगा, आर प्लाज्मिड का मतलब रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक्स। ये सब हम नेक्स्ट जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें बोर्ड पे साथ के साथ डिस्कस करेंगे। एफ प्लाज्मिड, वेरुलेंस, डिग्रेडेड प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, ये सारे हमारे टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स होते हैं। मतलब एफ प्लाज्मिड कंजुगेट एबिलिटी टू बैक्टीरिया, यहाँ पे हमारे कंजुगेट एबिलिटीज होती है हमारी बैक्टीरिया की। वेरुलेंस डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो भी वेरुलेंस होती है वो हमारी क्या होती है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। डिग्रेडेड प्लाज्मिड अनयूजुअल कंपाउंड सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, कुछ कुछ ना अनयूजुअल कंपाउंड की सिंथेसिस होती रहती है। कोल प्लाज्मिड का मतलब क्या होगा, कॉलेसेंस सिंथेसाइजिंग विच किल्स, मतलब कोल प्लाज्मिड में कॉलेसेंस की सिंथेसिस होती है जो कि अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल कर देता है। मतलब कुछ टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड, वेरुलेंस, डिग्रेडेड प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड। एक टर्म आती है कॉपी नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉपी नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लाज्मिड इन द सेल। जैसे कि हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को प्रोड्यूस किया या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस किया, तो वो होस्ट सेल कितने नंबर ऑफ कॉपीज को या प्लाज्मिड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट को सिंथेसाइज करता है। प्लाज्मिड कॉपी इन द सेल, उस सेल में कितने ही कॉपीज हैं प्लाज्मिड के, वो होता है हमारा कॉपी नंबर। कंपैटिबल प्लाज्मिड होती हैं प्रेजेंट इन द सेल, और कंपैटिबल जो प्लाज्मिड कंपैटिबल होते हैं तो उन्हें हम कंपैटिबल प्लाज्मिड बोलते हैं, मतलब टू और मोर ऑल्सो को हम। नॉन कंपैटिबल मतलब जो एक ही सेल के अंदर, जैसे एक घर है, दो भाइयों को रख दिया हमने, अगर वो दोनों भाई आपस में लड़ झगड़ के एक साथ नहीं रह सकते तो वो नॉन कंपैटिबल है। दोनों लड़ झगड़ के रह सकते हैं तो वो कंपैटिबल है। और उसके बाद हमारा कॉपी नंबर क्या होता है, कॉपी नंबर का मतलब जो प्लाज्मिड है कितने कॉपी नंबर ऑफ सेल्स को सिंथेसाइज कर रहा है। प्लाज्मिड का साइज बेसिकली 12 to 13 KB, इवन लार्जर एंड स्मॉलर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। स्मॉलर जो होगा वो होस्ट की मैकेनिज्म को यूज़ करता है रेप्लिकेशन के लिए, और जो लार्जर होगा वो अनस्टेबल होता है थोड़ा सा,
और सिंथेसाइज इंडिपेंडेंटली एंजाइम, इंडिपेंडेंटली एंजाइम को इंडिपेंडेंटली सिंथेसाइज करता है, मतलब इसके होस्ट के मैकेनिज्म की इसको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद प्लाज्मिड रेप्लिकेशन में एक स्ट्रेंजेंट आता है, रिलैक्स मोड ऑफ रेप्लिकेशन आता है। स्ट्रेंजेंट में क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ रेप्लिकेट, मतलब थोड़ा कम रेप्लिकेशन होती है और कम अमाउंट ऑफ हमारा आरडीएनए प्रोड्यूस होता है। रिलैक्स मोड ऑफ रेप्लिकेशन में लार्ज नंबर कॉपी नंबर और मोर अमाउंट हमारे पास जो भी रेप्लिकेशन है वो होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मैंने आपको बोला जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, तो जल्दी जल्दी आप एग्जाम में या टेस्ट में कोई चीज़ लिख रहे होगे तो क्या होगा, कोई ना कोई पॉइंट मिक्स हो जाएगा, तो वो आप समझ लो स्ट्रिंजेंट केस है प्लाज्मिड का। रिलैक्स मीन्स आपके पास प्रॉपर टाइम है, आपने सोच सोच के हर एक पॉइंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, तो उससे क्या होगा आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आपका आंसर्स भी इम्प्रूव होंगे। तो उसी तरह से हमारा प्लाज्मिड स्ट्रिंजेंट और रिलैक्स मोड ऑफ रेप्लिकेशन करता है। इसके बाद हमारे प्लाज्मिड वेक्टर स्टार्ट हो जाएंगे, पीवीआर मतलब M30 बैक्टीरियोफाज ईस्ट इंटीग्रेटेड सारे स्टार्ट हो जाएंगे, तो उन वीडियोस को आप देखना मिस ना करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कोई सजेशन देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टाटा बाय।